नमस्कार, स्वागत श्रोताओं परिसंवाद में। आज का विषय है भविष्य की प्रौद्योगिकी। इसमें भाग ले रहे हैं टाइफेक यानी प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के कार्यकारी निदेशक और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभात रंजन और इसी संस्था के जनसंपर्क अधिकारी श्री मानवर्धन कंडिया। आज़ाद भारत में यदि कोई एक सपना जिसे हर भारतीय ने देखा और संजोया है, वह है विकसित भारत का सपना। इस सपने को साकार करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 90 के दशक में पटकथा लिखी गई, जिसे हम विजन 2020 के नाम से जानते हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्वायत्त शासी संस्था टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल यानी कि टाइफेक ने विजन 2020 के तहत 16 रोड मैप तैयार किए थे। अब जबकि पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, ऐसे में टाइफेक ने विजन 2035 भी तैयार कर लिया है, जिसे निकट भविष्य में ही लॉन्च किया जाएगा। टेक्नोलॉजी थिंक टैंक के रूप में प्रसिद्ध संस्था टाइफेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रभात रंजन आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। इससे पहले कि उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो, सुधी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है डॉक्टर रंजन का संक्षिप्त परिचय। देश के जाने माने न्यूक्लियर फ्यूजन वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभात रंजन ने न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में लगभग 2 दशकों तक भारत व अमेरिका के प्रयोगशालाओं में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। IIT खड़गपुर व दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से उन्होंने 1986 में डॉक्टरेट हासिल की। अप्रैल 2013 में टाइफेक में बतौर कार्यकारी निदेशक योगदान देने से पहले डॉक्टर रंजन धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ ICT गांधीनगर में 11 वर्षों तक प्रोफेसर रहे। भारत का गौरवशाली अभियान चंद्रयान द्वितीय व अन्य कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े रहने के अलावा डॉक्टर रंजन ने विकलांगता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लोक सुलभ बनाने वाले डॉक्टर प्रभात रंजन का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम परिसंवाद में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर प्रभात रंजन। भविष्य की प्रौद्योगिकी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भविष्य जैसा हम लोग मानते हैं कि हरदम अनिश्चित रहता है, और इसलिए कुछ भी कहना एक निश्चित भाव से कठिन होता है। लेकिन कुछ संभावनाएं जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी तकनीकी आने वाली है जो कि अचंभे में डाल सकती है लोग। इसमें से एक टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो 3D प्रिंटर की टेक्नोलॉजी, जो कि लगभग आ चुकी है, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को अभी मालूम नहीं है। अभी हम लोग इस अवस्था में हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी थी 1980 के आसपास जो थी, जब लोगों ने इसको घर घर में खरीदना शुरू किया, अभी हम लोग 3D प्रिंटर की उसी अवस्था में हैं। लेकिन अगले 5-10 साल में ये हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालने वाला है। ये एक टेक्नोलॉजी हम लोग आगे देख रहे हैं। इसके अलावा ब्रेन रिलेटेड काफ़ी कुछ काम आगे होने वाला है और हो रहा है, उसमें भी काफ़ी कुछ संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी और भी काफ़ी सारे तकनीकी क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, जो कि टेक्नोलॉजी विजन 2035 के डॉक्यूमेंट में कवर किया जा रहा है। जैसा आपने चर्चा किया, विजन 2020 या विजन 2035 की मुख्य बातें क्या हैं, और एक आम आदमी इन दोनों रिपोर्ट्स के बीच के अंतर को कैसे समझ सकता है? जो विजन 2020 जो डॉक्टर कलाम की अध्यक्षता में बनाई गई थी टाइफेक के द्वारा, उसमें एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की गई थी 2020 में। हम लोगों ने 2035 में थोड़ा सा अलग रास्ता चुना है। इसमें हम लोग जो भारतीय नागरिक हैं उनकी जीवन शैली पर फोकस कर रहे हैं कि उनका लाइफ कैसा होगा, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, और उसको हम लोग तकनीकी सहायता से कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, इस पर फोकस किया गया है। तो एक मायने में जो टेक्नोलॉजी विजन 2020 था वो इंडिया के लिए था, और टेक्नोलॉजी विजन 2035 भी इंडियंस के लिए। तो ये एक सहज अंतर किया जा सकता है दोनों में। इसके कारण डॉक्यूमेंट के प्रिपरेशन में काफी फर्क आया है। डॉक्टर प्रभात रंजन, भविष्य की प्रौद्योगिकी आज हमारे बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि हम जानते हैं कि तेजी से बदल रही इस दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो हम सब के जीवन को प्रभावित करता है तो वो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरी स्थिति को, जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं या आगे आने वाले समय हैं, उनमें भविष्य की प्रौद्योगिकी किस तरह से जीवन को, मानव जीवन को प्रभावित करने जा रही है? दो चीज हम लोग देख रहे हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है
उसका उपयोग काफी फास्ट हो रहा है। मतलब मान लीजिए जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था उसको लोगों तक जनमानस तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी बहुत जल्दी पड़ रही है। एक टेक्नोलॉजी जब आ रही है आते आते पूरी फैली नहीं तब तक नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है। दूसरी चीज जो हो रही है कि जो हम टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली है वो हमारी आशाओं से जल्दी आ जा रही है। हम ये सोचते हैं कुछ चीज़ 20 साल में आएगी लेकिन एक 10 साल या 15 साल में ही हो जा रही है। तो ये दोनों के कारण टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है और लोगों के जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला। उस हिसाब से हम देखें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जैसे कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो अभी तुरंत आ चुकी है हमारे कुछ क्षेत्रों में, ऑलरेडी उसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि आगे आने वाले 3-4-5 साल में इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसे ही हम लोग ब्रेन रिलेटेड काफ़ी कुछ काम हो रहा है और उसमें भी ऐसी संभावना है जो कि लोगों को अचंभे में डाल सकती है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जिसमें कि जो सैकड़ों हजारों साल से हम लोग सोच रहे थे उसको एकदम बदल देगा हमारे जीवन को। पिछले दिनों कई ऐसी खबरें देखने को मिली हैं जिसमें डॉक्टरों ने 3D प्रिंटेड मटेरियल तैयार करके फिर दूसरा ब्रेन का दूसरा हिस्सा जोड़ करके तैयार कर दिया ताकि आम नागरिक की तरह सामान्यतः जिस तरह से हम सब काम करते हैं उस तरह से काम करने में आ पाए। मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो भविष्य की प्रौद्योगिकी है और जो मानव जीवन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करने वाली है? देखिए, एक जो टेक्नोलॉजी हम लोगों को इफेक्ट किया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, और ये और भी बढ़ते जाएगा। और ICT का नैनो टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, बायोलॉजी, ये सब कंबाइन होते जा रहा है और सबसे ज्यादा फाइनली जो फोकस आएगा वो समझिए कि मानव शरीर पर। ये संभावना है कि मानव आयु काफी बढ़ जाए। लेकिन डॉक्टर रंजन, मुझे कहीं ना कहीं एक खतरा भी दिख रहा है यहाँ पे। खतरा क्या है कि जैसे मानव मस्तिष्क का विकास हम लोग जिस तरह से करते आए हैं और दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजी को जिस तरह से हम लोगों ने विकसित किया है, तो मानव मस्तिष्क का विकास उसकी दर तो बहुत ज़्यादा नहीं है और उसकी तुलना में अगर देखें तो जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित किया उसका जो रेशियो है उसका अनुपात बहुत कई हजार गुना ज़्यादा है। खतरा ये तो नहीं कहीं इसके आने वाली है कि हम देखें कि आगे आने वाले दिनों में मानव मस्तिष्क तकनीक के अधीन हो जाएगा, ऐसा खतरा आपको महसूस हो रहा है क्या? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। ऐसी संभावना देखी जा रही है कि कंप्यूटर जिस गति से आगे बढ़ रहा है शायद एक मानव मस्तिष्क की क्षमता लगभग अगले 10 से 15 साल में एक कंप्यूटर जो कि लगभग समझिए $1,000 जिसकी कीमत होगी, मान लीजिए एक मोबाइल फोन या एक लैपटॉप, उसमें इतना पावर आ जाएगा जो कि एक मानव मस्तिष्क के कंपेरिजन में इक्वल हो जाएगा। जी। इसके बाद ये आशा की जा रही है कि लगभग 2047 से 50 के आसपास तक में ऐसे ही एक कंप्यूटर में उसी लगभग कीमत में इतना पावर आ जाएगा कि वो पूरे विश्व के यदि सब ब्रेन को ले जाए, मान लीजिए लगभग 9 बिलियन ह्यूमन बीइंग है, पॉपुलेशन है उस टाइम, सबको ब्रेन को यदि जोड़ दिया जाए उतना एक कंप्यूटर $1,000 के कंप्यूटर में वो पावर आ जाए। जैसा आपने कहा कि कंप्यूटर हजारों गुना स्पीड से बढ़ते जा रहा है, मानव मस्तिष्क का विकास उस स्पीड से नहीं हो रहा है। इसका दोनों प्रभाव होने वाला है। एक जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसी संभावनाएं आ सकती हैं कि क्या ये मानव जीवन को ही खतरे में डाल दे। ऐसी एक दो घटनाएं भी रिपोर्ट हुई जिसमें कि रोबोट ने किसी को मार दिया, कुछ तो एक्सीडेंटल होते हैं जी। लेकिन क्या वास्तव में रोबोट एक विलेन की तरह काम करने लगा, इसकी संभावना लोग देख रहे हैं। इसमें 2-3 लोगों ने इसमें कुछ फंडिंग भी की है जी। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने भी इस खतरे से हम लोग को आगाह किया है। इसके अलावा एलोन मस्क हैं जो एक काफ़ी वेल नोन रिसर्चर, इनोवेटर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं जी। उन्होंने भी इस पर लगभग $100 मिलियन खर्चा कर रहे हैं। वो इस पर क्या रिसर्च किया जाए जिससे कि ये जो संभावना है इसको हम टाल सकें, इस खतरे को टाल सकें। तो ये काफ़ी रुचि की बात है। इसमें लोगों को अब समझने की ज़रूरत है कि हम इस तरह से ब्रेन की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को आपस में रखें जिससे कि दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बने। अच्छा, जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं, बड़े इनोवेशन की बात करते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, तो कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि इंडिया में इसका शोध या इंडिया में इसको ईजाद करना
बनिस्बत कि हम विदेशों की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहें, ऐसा आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो अपने यहाँ, कोई इनोवेशन कल्चर डेवलप हो, कोई ऐसी संस्कृति डेवलप हो कि जो बड़ा इनोवेशन है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया में बने, जो भारत में बने? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझको लग रहा है जी, कि यदि हम अपने ज़रूरतों की ओर देखें और उसके तकनीकी संभावना क्या है, उन जरूरतों के जो समस्याएं हमारी हैं उनका समाधान भी खोजें, तो वो भारतवर्ष से जुड़ा रहेगा। मैंने विकलांगों के क्षेत्र में विकलांगों को सहायता करने के जब मैंने काम शुरू किया, तो हमने ये नहीं देखा कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, हमने देखा कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी क्या जरूरत है और उसके लिए फिर हमने काम करना शुरू किया। तो उसमें हमने बहुत कुछ ऐसा किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया था, जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लेकर ही हमने काम किया है। ऐसी सुविधा हमने कर दी कि ऐसा विकलांग व्यक्ति कोई जो कि जिसके हाथ नहीं चल रहे हैं या पैर नहीं चल रहे हैं, आवाज़ नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर चला सके, वो भी एक टीवी चला सके, वो भी एक लाइट ऑन कर सके या फैन ऑन कर सके। इसमें हमने ये नहीं देखा कि दुनिया में किसने क्या किया है, हमने कहा कि हमारी ज़रूरत है, हम इस पर काम करते हैं और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था उसको हमने सोच कर उसके हिसाब से बनाया। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी था कि उसके खर्चा जो है वो कम हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बाहर में है लेकिन वो लाखों में होती। बिल्कुल। तो यदि हम वहाँ से खरीद के भी लाते हैं तो लोग इसको घर में ढक कर रख देते हैं, उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत खर्चीला चीज़ है, कहीं ख़राब ना हो जाए। जी। इसलिए हमारी ज़रूरतों को यदि हम फोकस करें तो शायद भारतवर्ष से काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, कच्चा पदार्थ जो कि हम भारतवर्ष से बाहर भेज दे रहे हैं और जिसमें कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। यदि हम उस पर काम करें तो हम देखें कि हमारा जो इनकम है एक्सपोर्ट से काफ़ी बढ़ जाएगा। इसमें भी काफ़ी हमको टारगेटेड रिसर्च की ज़रूरत है, तो ऐसा टारगेट ही दे रखें जो हमारे स्ट्रेंथ जी पर फोकस करे, हमारे समस्याओं पर फोकस करे, तो हमको लगता है कि भारत में काफ़ी इनोवेशन की संभावना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भारत में पैदा होती हैं, मसलन ग्वार भारत में पैदा होती है, इसका अगर हम यही वैल्यू एडिशन कर देते तो शायद उसकी कीमत कई हज़ार गुना ज़्यादा होती US के मार्केट में, लेकिन हम रॉ भेज देते हैं उन्हें, शायद इस वजह से उसकी जो कीमत है शायद उस वजह से हज़ार गुना तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन 5-10 गुना तक तो अभी भी है और इसके कारण शायद देश को 50,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक का हर एक साल हानि हो रहा है। जी जी। तो और ये एक ही मटेरियल नहीं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिसका कि हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं देश में, लेकिन उसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा जिससे हमारे जो स्ट्रेंथ है उस पर हम फोकस करें, हमारी जो समस्या है उस पर फोकस करें, तो शायद इनोवेशन का काफ़ी चांस। आपने बहुत बड़ी बात कही, जो फ्रुगल इनोवेशन की बात है, भारतीय मानसिकता में सबसे ज़्यादा उपयुक्त वही है, फ्रुगल हो, वो कम कीमत में उपलब्ध हो, लेकिन इसके साथ एक खतरा है जिसे हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी कह देते हैं, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? आमतौर पर जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत में अगर कोई भी इनोवेशन होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और उसका उसकी कीमत कम होती है तो भारतीयता कहीं ना कहीं उसमें छुपी होती है, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जुगाड़ इनोवेशन कहते हैं। एक स्थानीय समस्या है, उसमें जो सीमित बाउंड्री है उसके अंदर में लोग एक समस्या का समाधान खोजते हैं जी, लेकिन अक्सर उनका व्यापक रूप में प्रयोग नहीं हो पाता है, लेकिन वो अपने आप में अच्छी चीज़ है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने काम किया, ऐसी चीज़ हमने बनाई जो कि वो रिएक्टर के समस्या का समाधान किया, लेकिन उसका लार्ज स्केल पर कोई उपयोग नहीं, लेकिन उस हिसाब से एक रिएक्टर के लोग काफी फायदाजनक था। तो ऐसा होता है, तात्कालिक फायदा तो होता है लेकिन उसे बड़े स्पेक्ट्रम में बड़े स्तर पे नहीं देख सकते। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि भारत में एक दिन ऐसा आएगा जब शहरी सुविधाओं का लाभ इक्वली समान रूप से हमारे देहाती क्षेत्र में भी मिलेगा, उसमें टेक्नोलॉजी का कहीं रोल दिख रहा है कि प्रौद्योगिकी ऐसी आए जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं को ला करके उपस्थित कर दे? देखिए, मैं यदि इतिहास में जाऊं जी तो भारतवर्ष में ज़्यादा लोग गांव में ही रहते थे और लगभग जो इतना फर्क नहीं था शहर और गांव में जी, ये फर्क तब होने लगा जबकि यहाँ से कच्चा पदार्थ बाहर जाने लगा। 1750 ईस्वी के आसपास की बात है ये, हम लोग कॉलोनी थे, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, यहाँ तक बताया जाता है कि रेलवे लाइन जो बनाया गया वो भारतवर्ष से कच्चा पदार्थ बाहर ले जाने के लिए बनाया गया जी। उसके बाद वहाँ की फैक्ट्री में, यूरोप की फैक्ट्री में चीज़ें बनने लगी और हम उसको काफ़ी ज़्यादा कीमत पर बेची जाने लगी, तो हमारा कच्चा पदार्थ सस्ते में चला जा रहा था।
और जो बनी हुई चीज़ थी वो वापस आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कीमत पर। अब एक दवा की हम एक मेडिसिन की बात करें जी, तो आप देखिए कि पहले हर एक गाँव में एक वैद्य हुआ करता था। उस वैद्य को यदि किसी दवा की ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो स्थानीय पौधे थे उनसे वो बना लेता था। बिल्कुल, उसके लिए उसको ये नहीं देखना पड़ता था कि ये दवा उपलब्ध है कि नहीं गांव में। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सब को बैन कर दिया गया और हर्बल जो प्लांट्स थे ये सब थे ये बाहर जाने लगे और विदेशों में फैक्ट्री में दवा बनने लगी और दवा वहाँ से आने लगी और फिर उसकी बिक्री हमारे यहाँ होने लगी। तो अब क्या हुआ कि वो पहले शहर में आएगा, गाँव में जाते जाते वो गायब हो जाता था। तो धीरे धीरे जब सेंट्रलाइजेशन बढ़ा, सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, तब ये जो गैप है शहर और गांव का अंतर बढ़ते गया। लेकिन अब ऐसी संभावनाएं आ रही हैं जैसे कि मैंने 3D प्रिंटर की बात की, जो कि ये कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की है, जिसमें ये संभावना है कि लोग गांव-गांव में एक छोटी फैक्ट्री अपने घर में ही बना सकते हैं 3D प्रिंटर के जरिए, फिर उसका विकेंद्रीकरण जैसे जैसे विकेंद्रीकरण बढ़ेगा तो हमको ये आशा है कि शहर और गांव का जो अंतर है वो खत्म होते जाएगा। और अमेरिका में मैंने देखा था कि काफी लोग गाँव में जाकर रहना पसंद करते थे। हम सभी जानते हैं कि भारत एक नौजवान देश है और अगले 40-50 सालों तक ये नौजवान ही रहेगा, तो ये जो इतनी बड़ी संसाधन, जो मानव संसाधन हमारे पास है, युवा शक्ति, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, एक संभावना जो मैं देख रहा हूँ, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारतवर्ष ने काफ़ी अच्छा काम किया है जी, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी पर बढ़ते गया है। आज के जो युवा वर्ग है वो उसका सपना यही रहता है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक जॉब मिल जाए, वो कोई किसी भी क्षेत्र में रहे, वो धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, उनको लगता है कि हमारे जो जीवन शैली है वो अच्छी रहेगी। ये जो आपने बताया कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की है, लगभग आज से 35-40 साल तक भारतवर्ष युवा ही रहेगा, इसमें एक संभावना मैं देख रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग और काफ़ी सारे सेक्टर्स में बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके कारण जो हमारे युवा के पास जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नेचुरल, समझिए कि हमारे पास एक टैलेंट है, उसका प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर पर काफ़ी पड़ने वाला है। तो जब तक हम इस एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हमारे युवा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अलग अलग क्षेत्र में उपयोग कर सके, यदि हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमको लगता है कि उनका हम सदुपयोग कर पाएंगे, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगा। डॉक्टर प्रभात रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप भविष्य की प्रौद्योगिकी विषय पर परिसंवाद सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे टाइफेक यानी प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के कार्यकारी निदेशक और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभात रंजन और इसी संस्था के जनसंपर्क अधिकारी श्रीमान वर्धन कंठ। श्रोताओ, चलते चलते एक अनुरोध आपसे, आप अपने विचार व सुझाव अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है हिंदी सेवा विदेश प्रसारण प्रभाग, कमरा नंबर 305 NBH, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, और हमारा ईमेल एड्रेस है esdh.radiomail@gmail.com, और आप फोन भी कर सकते हैं, नंबर है 0112342190। और अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, शीघ्र ही हमारी वेबसाइट शुरू हो रही है, ज्ञान मनोरंजन जानकारी और समाचारों के लिए विजिट करें www.airworldservice.org/hindi, और हमारा फेसबुक पेज है airworldservice.info.hindi। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है, नमस्कार, शुभकामनाएं। इसी के साथ भेंट वार्ताओं का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है, नमस्कार। वाचन स्वर मनोज कुमार चौधरी, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर RS यादव।